1 लाख रुपए का मोबाइल फोन एक बड़े से नहर में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? अगर तैराक हैं तो कूद कर ढूंढने की कोशिश करेंगे या किसी और की मदद लेंगे? अगर आप तैराक नहीं हैं या कोई मदद को तैयार नहीं है तो संभवतः किस्मत की मर्जी मानकर छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोग जिनके हाथ में पावर होती है वो आपकी तरह नहीं सोचते हैं, वो पूरे नहर के पानी को ही बाहर निकलवा सकते हैं। पावर का नशा ऐसा होता है कि उनके लिए और कुछ मायने नहीं रखता। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के सरकारी बाबू ने भी अपनी पावर का कुछ ऐसा ही अहंकार दिखाया है। कांकेर जिले के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास का 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन जलाशय में गिर गया तो सरकारी बाबू की सनक ऐसी थी कि उन्होंने 21 लाख लीटर पानी निकलवा दिया। इस पर मचे बवाल के बाद जिला प्रशासन ने फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कांकेर में पखांजुर के खेर कट्टा परल कोट जलाशय के ओवरफ्लो टैंक में फूड इंस्पेक्टर का महंगा फोन गिर गया। इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। इसके बाद फोन को ढूंढने के लिए पंप लगाकर टैंक के पानी को खाली कर दिया गया। फोन को ओवरफ्लो टैंक से बाहर निकाला गया। फूड इंस्पेक्टर के फोन को निकालने के लिए जलाशय का पानी खाली करने का मामला चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास सोमवार को छुट्टी मनाने खेरकट्टा परलकोट जलाशय पहुंचे थे। साहब का महंगा फोन खेरकट्टा परलकोट जलाशय में गिर गया। ओवरफ्लो टैंक 15 फीट तक पानी से लबालब भरा हुआ था। अधिकारी का फोन ढूंढने के लिए सरकारी अमला पानी निकालने में जुट गया। फोन निकालने के लिए लगातार 3 दिन से 30 एचपी का पंप लगाकर ओवरफ्लो टैंक से पानी को खाली किया गया, तब जाकर गुरुवार की सुबह फूड इंस्पेक्टर के महंगे फोन को निकाला जा सका। परलकोट जलाशय जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, ऐसे में इस ऑपरेशन के लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली गई थी या नहीं, जब इस संबंध में सिंचाई विभाग के एसडीओ आरएल धीवर ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा कुछ फीट ही पानी कम करने को कहा गया था। खाद्य निरीक्षक ने ज्यादा ही पानी निकाल दिया। इसकी जानकारी लगते ही वे मौके पर पहुंचे और पानी निकलवाना बंद करा दिया। हालांकि अधिकारी को फोन हासिल हो गया था। फोन को निकालने के लिए जलाशय को खाली कराए जाने का मामला सुर्खियों में आ गया। भाजपा नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर इसको लेकर तंज कसने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भूपेश बघेल की तानाशाही में अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। भीषण गर्मी में लोग टैंकरों के भरोसे हैं, पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहीं अधिकारी अपने मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी बहा रहे हैं। इतने में 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। मोटर पंप लगाकर पानी निकलवाने वाले अधिकारी की पहली पदस्थापना 22 दिसंबर 2018 को हुई थी। वे अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कोयली बेड़ा और पखांजुर में पदस्थ रहे हैं। पखांजुर में पदस्थ राजेश विश्वास स्थानीय होने के कारण हमेशा विवादों में रहते हैं। कोयली बेड़ा में पदस्थ रहने के दौरान स्वयं के राशन कार्ड के चावल में गड़बड़ी के मामले में वे निलंबित हो चुके हैं। अपने महंगे सौकों को लेकर भी वे हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। थार चार पहिया गाड़ी, लाखों के फोन और महंगी मोटरसाइकिल रखने को लेकर वे हमेशा चर्चा में रहे हैं।